wanna see you. I don't wanna hear you tonight. Tyrion Gaming, TYRION, Tyrion Gaming YouTube चैनल है इनका, सब्सक्राइबर है अराउंड 1.6 लाख. ये दोस्त किसके हैं? ये दोस्त हैं हमारे जी गुरु जी, जिनका नाम है मिस्टर अली नकवी. जी गुरु जी उर्फ फाराफ, सुना होगा आप लोगों ने अली का बिल्ड जो हम लोगों ने किया था लास्ट ईयर. इधर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा. जी गुरुजी नाम से उनका चैनल बहुत फेमस है, अराउंड 3 से 4-5 साल हो रहे हैं उसको, मतलब यूट्यूब पे. और उसी का दूसरा चैनल है फार ऑफ, तो ये उन्हीं के दोस्त हैं. और अली ने ही इनको रिकमेंड किया है कि भाई पीसी बनाना, तो मिस्टर पीसी वैसे बनवा लो भाई, शादा भाई से बनवा लो, ठीक है. तो सबसे पहले टायरॉन भाई और अली, बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम दोनों का कि आप दोनों ने यार सपोर्ट बनाए रखा यार, बस ठीक है. सो व्हाट्स अप लोग, कैसे हो आप सब? दिस इज शादाब खान, अंकित कुमार शर्मा. ये देखिए, हाय करो फ्लैंकी, लव यू ऑल. दो साले तुम, अबे सबको देते हो साले तुम, है ना? एक बार फ्लैंकी तो सबको लव यू ऑल कहो, अबे कर दो तो एक बार. अरे कर दो यार, अरे अरे एक बार कर भाई, शर्मा आ गया यार अपना, ठीक भाई. So, ये बिल्ड है अराउंड 1.25 लाख, 1,25,000 के बजट का बिल्ड है, अराउंड 1,25,000 में फुल पीसी सेटअप है. ये मत करना भाई 30-50 दे दिए, 1,25,000 में लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके शादा भाई वालों ने, अंकित के गालों ने, शादा भाई के बालों ने. तो भाई देखो, सबसे पहले एक बात बता दी मैं आपको, ठीक. ये कार्ड है हमारा जिसका नाम है MSI 34 RTX 3050 3050 ग्राफिक कार्ड यूज हो रहा है, लेकिन ये फुल पीसी सेटअप है. इसमें अगर मैं मोटी मोटी चीजें हटा लूं, लाइक ये रहा हमारा मॉनिटर जिसकी कॉस्टिंग है 15,000, इसकी कॉस्टिंग हटी, सिस्टम की कॉस्टिंग आ गई 1,10,000. अब आइए, इसकी कॉस्टिंग हटी 1,000 रुपए, इसके कम हुए. अब आइए, 3 फैन एक्स्ट्रा लगा हुए 3,000 रुपए के, 3,000 रुपए कम हुए, कॉस्टिंग आ गई 1,06,000 रुपए लगभग. 1,06,000, 4 1 TB के हार्ड डिस्क हटा दिए, लगभग कॉस्टिंग आ गई 1,03,000 के आसपास, तो 2,900 रुपए शिपिंग हटा दिए. तो आप मान चलिए जो इसका जो बिल्ड है ना लिक्विड कूलर के साथ बैठा है अराउंड 1,00,000 रुपीज का. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई मेंशन 1,00,000 रुपीज पीसी बिल्ड इन थंबनेल एंड ऑल्सो ऑन टाइटल. 1,00,000 रुपए का पीसी बिल्ड आइए, आप सारी नौटंकियों को हटा देंगे तो 1,00,000 का पीसी बिल्ड होता है, ठीक. सबसे पहले हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, आपकी मोहब्बत में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक. सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके कॉम्पोनेंट से, कि हम लोग कॉम्पोनेंट्स में क्या क्या यूज करते हैं, एकदम रॉ वीडियो बनाएंगे शॉर्ट फॉर शॉर्ट सील काट के, तो दिखाएंगे आपको. पावर सप्लाई जो हम लोग उसमें यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं कोर्सियर CV550W 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड. कॉस्टिंग की बात करें तो अराउंड आती है 4,200 के आसपास. लिक्विड कूलर लगा रहे हैं इसमें, कूगर लिखा है इसमें, कूगर ऑरस एक्वा 240 ARGB विद 5 ईयर्स ऑफ वारंटी, 5 साल की वारंटी से आता है ये लिक्विड कूलर. और यही हमने किसके में यूज किया बताएं, ये हमने यूज किया है एक यूट्यूब चैनल है वॉइड गेमर, VOID वॉइड गेमर, इनके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. आई बटन में लिंक आ रहा होगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा. उनके बिल में भी हमने ये AIO यूज किया था 360mm का, और ये 240mm की AIO की कॉस्टिंग आती है अराउंड मान के चलो आप 7,000 के आसपास. उसके साथ साथ देखिए 3 फैन हम यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर के, कूलर मास्टर MF120S3 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी कैबिनेट है सुवी दिखाओ, देखिए इस कैबिनेट में 2 फैन फ्रंट में हैं, प्लस ऊपर AIO लग गया 240mm का, पीछे एक नॉन RGB फैन आता है, इसको हम निकाल देंगे, एक फैन देखिए यहाँ पे लगेगा और 2 फैन लगेंगे इसके यहाँ पर बेस में, और बेस में लगने के बाद भाई साहब क्या गजब लुक आएगा मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है. और एक फैन की कॉस्टिंग आती है अराउंड 1,000 रुपीज के आसपास. तो भाई लोग, जो हम लोग इसमें मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, आप लोग चिल्लाओगे कि भाई साहब मदरबोर्ड यूज क्यों किया, हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं GigaByte D450 गेमिंग एक्स फुल 80 का मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं. आप कहोगे ये खराब है मदरबोर्ड, देखो कोई भी चीज खराब नहीं होती है, हर चीज के ड्रॉबैक्स होते हैं, हर चीज के पॉजिटिव होते हैं, डिपेंड करता है कि जो आप काम करने जा रहे हो उस काम के लिए ये बेस्ट है या नहीं. सबसे मेन बात, उसका बजट स्ट्रिक्ट था कि इतने बजट में उसको फुल पीसी चाहिए, 1,00,000 के बजट में, ठीक.
उसके बाद उसको चाहिए था कि उसको ये समझ लो कि गेमिंग करनी थी और एडिटिंग करनी थी आपकी यूट्यूब की वीडियोस के लिए, तो हमें प्रोसेसर ठीक ठाक रखना था, प्रोसेसर के 6 को 62 का मिनिमम रखना ही रखना था, गेमिंग के लिए रखना ही रखना था, 16 GB रैम रखनी रखनी थी। तो हमने कहीं कहीं पे जहाँ पे जो सेट हो सका उसको सेट किया, ठीक भाई। तो आप लोग चीज़ मतलब मानना, क्वालिटी मदरबोर्ड है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कहाँ पर यूज़ करते हो, ठीक। कॉस्टिंग बताने तो अराउंड आता है 8-9 हज़ार के आसपास। तो भाई उसके बाद जो उसमें प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं AMD Ryzen 5 3600। अब 3600 पे एक मैंने बिल्ड डाला था कल परसों, तो आप लोगों ने उस पर ये किया था कि शादा भाई 36 लगा दिया, इससे अच्छा 12400 है, 12400 इंटेल में 12400। लेकिन आपने बोल तो दिया 12400, अब हमें ये बताइए 12400 आपने प्रोसेसर ले लिया ठीक इंटेल का, उसका जो Z690 इतने महंगे मदरबोर्ड आते हैं 15-20 हज़ार रुपए के, वो लोगे आपने इतना महंगा मदरबोर्ड ले लिया, DDR5 रैम जो 4800 मेगाहर्ट्ज़ की 5600 मेगाहर्ट्ज़ की वो लोगे, आप लोग चिल्लाते क्या हो, अरे शादा भाई 12400 दे देते हैं 3600 क्यों दे दिया क्यों दे दिया, अरे मेरा भाई हाँ अबे चिल्ला चुके हैं इस पर चिल्ला चुके हैं, एक सेकंड भाई को आप लोग चिल्लाओगे कि जो है कर दिया, लेकिन भाई दिमाग तो लगाया करो चिल्लाने वालों, जरा दिमाग से सोचो, ये 3600 चीज पुरानी हो जाती है तो ये नहीं होता है कि उसके थ्रेड और कोर कम हो गए, उसकी परफॉर्मेंस कम होगी, परफॉर्मेंस तो उसकी वही है भाई, 6 को 12 थ्रेड हैं, लेकिन इसके साथ ये सोचो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम आपकी सपोर्ट हो रही है, एक लो मदरबोर्ड में भी आपका काम चल रहा है, उसमें आप DDR5 मदरबोर्ड लो इतने बड़े बड़े Z690 DDR4 भी मदरबोर्ड लेते हो तो भी कितने महंगे मदरबोर्ड हैं, हलवाई का उसके मदरबोर्ड का 20-20 हज़ार रुपये मदरबोर्ड है भाई साहब, तो ज़्यादा कॉमन सेंस तो लगाया करो यार, जो लोग चिल्लाते हैं चिल्ला तो दिया आप लोग, लेकिन उसमें से बहुत सारी ऑडियंस हमारी ऐसी भी होती है जो समझदार होती हैं, समझती तो हैं, भले आप कहो कि हाँ 12th generation है, लेकिन 12th generation के बाद उसमें ये जो लंगड़ पेच लग रहा है वो तो सोचो कितना लंगड़ पेच फंसा हुआ है, DDR5 उसका Z690 उसका, वो बाल उचवाओगे क्या आपने, वो कर लो, वो करने के बाद देखें 3050 आपका आ पाएगा उसमें, हम भी तो देखें भाई, तो टेंशन ना लिया करो भाई लोग, अगर कोई चीज़ हम दे रहे हैं, हम अंकित लाला नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है कि जो है माल बेच रहे हैं, हम लोग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। तो 3600 प्रोसेसर लग रहा है और XPG की स्पेक्ट्रिस D50 8x2 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम की किट लग रही है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ लगा रहे हैं, और XPG की SX8100 256 GB की NVMe लग रही है, जिसकी रीड स्पीड है अप टू 3500 MBPS, राइट है अप टू 3000 MBPS ठीक, और इसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड 3700 के आसपास, और ये आती है अराउंड 8000 से 9000 के बीच में, और ये आता है 18000 से लेकर 20000 के बीच में। 3600 आज भी 3600 पावरफुल है, आपको बता दें कि मेरा सिस्टम रखा है जिसपे हम यूट्यूब की वीडियोस एडिटिंग करते हैं, उसमें आज भी 3600 लगा हुआ है, 3600 और 1660 सुपर उससे एडिटिंग करते हैं भाई साहब। सो भाई लोग जिसमें ग्राफिक कार्ड यूज होता है वो यूज हो रहा है MSI G4 RTX गेमिंग है, वो क्या बोलते हैं 3050 गेमिंग एक्स डुअल फैन का फुल RGB वेरिएंट यूज हो रहा है, टॉप मॉडल यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें, और उसके साथ साथ इसमें WD की 1 TB की हार्ड डिस्क यूज हो रही है, और कूलर मास्टर का एक यूज हो रहा है हमारा GPU होल्डर जो इस GPU को होल्ड करेगा ठीक, ये कंपोनेंट आपने देख लिए, और अभी मैं इसको अनबॉक्स करूंगा, सिलिकेट को दिखाऊंगा। अब मैं दिखाता हूं आपको कैबिनेट देखिए हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, ये देखिए खोल के रखी है, ये कैबिनेट है आपकी लियानली लैंड कूल 215 200 mm के दो फैन फ्रंट में दिए होते हैं, और पीछे देखिए एक 120 mm का फैन रखा है, इसको हम निकालेंगे यहाँ से और हटा देंगे, और दो non-RGB है ये, और दो फैन हम नीचे यहाँ पे लगाएंगे, और लिक्विड कूलर हमारा ऊपर लगेगा, फुल ADS मतलब आता है, बजट के हिसाब से कैबिनेट बहुत अच्छी है, साइड में टेम्परेड ग्लास आते हैं, और ये देखिए इसके IO पोर्ट्स ये रहे 3.0 के दो 2.0 के दो हेडफोन जैक माइक जैक और RGB बटन रिसेट बटन, और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से कैबिनेट अच्छी है, वाइट कैबिनेट है, और हमें बनाना था वाइट एंड ब्लैक मिक्स का बिल्ड, इसीलिए इस कैबिनेट हमने चूज़ किया, और फटाक से सील ब्रेक करते हैं और सारे कंपोनेंट आपको फिजिकल रख के दिखाते हैं। तो भैया डिस्क्रिप्शन डिटेल प्रॉपर डिटेल में हो गई है, अब स्टार्ट करते हैं बिल्ड। तो बिल्ड बनाने से पहले एक सुपी जरा एक नज़र दिखा दो, कंपोनेंट सारे कंपोनेंट ओपन कर दिए गए हैं ठीक है, इसको दो सेक्शन वाइज करेंगे, एक सेक्शन में अपना हार्ड डिस्क IO शीट फैन AIO बिल्ड करेंगे, और एक सेक्शन में बंडल बिल्ड करेंगे, देखते जाइए। तो भैया ये रहा हमारा मदरबोर्ड ठीक है, ये रहा मदरबोर्ड का सॉकेट, लीवर उठाना है सिंपली,
और प्रोसेसर आपका ओपन करना है। मदरबोर्ड के सॉकेट पे एक एरो दी हुई है, बिल्कुल सेम एरो दी होती है एक सीपीयू पे, तो एरो टू एरो मैच करना है और इसको यहाँ सिंपली ऐसे रख देना और लीवर कर देना है डाउन। तो भैया सीपीयू का इंस्टॉलेशन हो गया है, बिल्कुल सेम रैम का भी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। चैनल वाइज रैम लगाने रहेंगे पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में या पहले तीसरे में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये रही हमारी रैम, अपने हिसाब से कट टू कट मैच करना है और इसको लगा देना है। सिंपल इंस्टॉलेशन है, रखना है दोनों तरफ क्लिक करके लगा देना है। दूसरी रैम भी आपकी सेम बिल्कुल ऐसी रहेगी, मदरबोर्ड पे स्लॉट दिया हुआ, उसमें कट दिया हुआ है, रैम पे कट दिया हुआ है और कट टू कट मैच करना है और सिंपली लगा के क्लिक कर देना है। ये देखिए, ठीक है। तो भैया प्रोसेसर का इंस्टॉलेशन हो गया आपका 3600 और रैम हो गई आपकी 8x2 RGB, दोनों का इंस्टॉलेशन हो गया है। बसती आपकी NVMe जो हम यूज़ करेंगे प्राइमरी स्टोरेज के लिए विंडोज़ के लिए। तो भैया ये हमारी NVMe हो गई, इसमें भी सिंपल सा है, NVMe का स्लॉट दिया हुआ है, एक कट दिया हुआ है, कट टू कट मैच करना है और इसको इंसर्ट कर देना है और एक स्क्रू ड्राइव से NVMe आपकी होल्ड करनी है। तो भैया बंडल हो गया अपना रेडी, ठीक है। अब इस बंडल को इंक्लूड करेंगे कैबिनेट में और इससे पहले आपको हार्ड ड्राइव SMPS और AIO का भी सॉल्यूशन आपको कंटिन्यू करते हैं, देखते जाइए। तो अमृत भाई बिल्ट आपका रेडी हो चुका है, ये देखिए आपके फैन पूरे सिंक हैं A to Z, आपका 3050 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, प्रॉपर AIO लगा हुआ है, रैम पूरी सिंक हो चुकी है A to Z। व्यू कैसा आ रहा है बताइए आप लोग। भाई सूफी इसके कलर चेंज करके दिखाओ कैसे कलर आ रहे हैं, ये देखिए भाई सूफी कलर चेंज करो, ये देखिए सूफी ने ब्लू डाल दिया है, पूरा सिंक हो चुका है, ये ब्लू हो चुका है पूरा पूरा A to Z, अब ये हल्का ब्लू हुआ है। और ये देखिए फैन कितने आराम से बढ़िया प्रॉपर स्पीड में चल रहे हैं, और ये देखिए थोड़ा नज़दीक दिखा सकते हैं, ये देखिए भाई कैसा लग रहा है, ओवरऑल अपना व्यू ज़रूर देना। और सूफी इसकी थोड़ा ब्लिंक ब्लिंक चेंज करके दिखा दो यार, हाँ ये कलर भी सही लग रहा है भाइयों। भाई देखो रहना भाई, ये 125,000 रुपये का बिल्ट है, A to Z सिंक है, पूरी मशीन सिंक हो चुकी है A to Z, आपका AIO रैम पूरी A to Z, ठीक है भाई। फ्रंट में आपके 200mm के फैन लगे हैं, ये फ्रंट का आपका इनटेक हो गया, बाकी आउटटेक किया हुआ है, ये देखिए ओवरऑल लुक कैसे आ रहा है दूर से देखिए आप लोग। और ये क्या हुआ, अच्छा, ये फ्लैश ऑन किया है, ये देखिए भाई फ्लैश ऑन कर दिया है और ये इसकी ब्रीदिंग वगैरह ऑन कर दी गई है भाइयों, ये देखिए भाई थोड़ा स्पीड बढ़ा जा रहा है इसकी, भाई ये देखो स्पीड बढ़ा दी गई हो भाई, कैसा लग रहा है दिखाइएगा भाई आप लोग। भाई बड़ी मेहनत लगती है ये सब करने में भाई, एक लाइक तो बनता है दोस्त। और भाई सूफी चलो बेंच मार्क स्टार्ट करते हैं इसके, दिखा दो ओवरऑल पूरा पीसी कैसा बना हुआ है और दिखा भाई, आप लोग कहीं जाना नहीं, बेंच मार्क देख के जाइएगा, पीसी एकदम फाड़ू लग रहा है देखने में। I don't
forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey, yo. I could become that one for another one. Hey, yo. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one. तो भाई लोग बिल्ड अपना रेडी हो गया है, जो ट्राई रॉड गेमिंग का बिल्ड था सारा बिल्ड भाई दिखाया, अनबॉक्सिंग दिखाई, सब कुछ कंप्लीट करके लुक भी दिखा दिया। अब बारी है आपकी, बिल्ड कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 3600 इसमें लगा हुआ है, कमेंट सेक्शन खाली है, अपना जो कहना हो कहिएगा, लेकिन भाई उनके 1.25 लाख रुपये का बिल्ड है बजट के हिसाब से और लुक के हिसाब से हर चीज़ देखिएगा। 16 GB रैम भी लगी हुई है, 8 GB और लेटेस्ट आपका ऑरस का AIO कूलर लगाया है और ये फुल सेटअप है आपका मॉनिटर के साथ में। कैसा लगा? बिल्कुल भैया सुनने के लिए तैयार है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया 5600X दे देते, लेटेस्ट दे देते, तो भाई सबकी अपनी नीड है, बजट अपना है, 1.25 लाख में ये बिल्ड कंप्लीट हो गया है। देखने में कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन खाली है। किसी को नया PC परचेस करना हो तो यहाँ सेंटर नंबर आ रहा होगा 9532। भाई नंबर तो आ रहा है, लिखा भी है, देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर रहे हो यार। भाई प्लीज़ फॉर्म फिल कर लिया करो ताकि मुझे मालूम चले कि आप मेरे से क्या चाहते हो, कौन सी लोकेशन से आप हमसे कनेक्ट हो रहे हो, A to Z पता चले ताकि मैं ठीक से आपको रिवर्ट कर पाऊँ। वहाँ से रिवर्ट ना मिले तो इंस्टा पे चले जाइएगा, वहाँ पे भी अगर यहाँ से रिवर्ट ना मिले तो इंस्टा से रिवर्ट कर देंगे भाई, ठीक है। तो ऑल ऑल भाई सटक पैसा लगा तो बताइए, और भाई वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करते हैं आप लोगों को। तो एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और ऐसी दोस्ती बनाए रखिए। है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सदा भाई थोड़ा सा बिजी है इसलिए वो आउटरो में नहीं आ पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सुबह मिलते हैं 11 बजे। I'm the one you go to whenever you feel like you're about